तो दोस्तों भारतीय रेलवे एक के बाद एक नए कीर्तिमान नए नए रिकॉर्ड स्थापित करती जा रही है। पहले हमने काफी सारी लोकोमोटिव्स बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किए हैं, जैसे मोजाम्बिक, जहां 3000 हॉर्स पावर के काफी दमदार लोकोमोटिव्स हमने भेजे। और इसके अलावा अब तो प्लान ये भी है कि हमारी जो वंदे भारत है इसका भी एक्सपोर्ट हम यूरोप में शुरू कर देंगे, और बोगीज विद इन 5 ईयर्स। यहां पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, इंडिया में स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ लोको बोगीज इन 5 ईयर्स, और ये खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। लेकिन अब इन सब में अब रेलवे नए नए रिकॉर्ड बना रही है, और फाइनली ये फाइनेंशियल ईयर में भी रेलवे अब जल्द ही एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। दरअसल इस फाइनेंशियल ईयर में रेलवे ने कोचेस और लोकोमोटिव्स की प्रोडक्शन इतनी तेज कर दी कि 75 सालों में ऐसा कभी देखने ही नहीं मिला, जहां अभी 4,175 LHB कोचेस और वहीं 785 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इन्होंने बना दिए एज ऑफ 31 जनवरी 2023। और ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना बाकी है, इतना रिकॉर्ड इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। अब इसमें हमारी काफी सारी कंपनीज भी जुड़ी है, जैसे CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, फिर BLW दैट मीन्स बनारस लोकोमोटिव वर्क, और PLW दैट मीन्स पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। और वहीं कोचेस की बात करें तो ICF तो हमेशा यहां पर रिकॉर्ड ही मार देती है, 4,175 में से ऑलमोस्ट 2,000 लोकोमोटिव तो इन्होंने मैन्युफैक्चर किए, फिर उसके बाद RCF और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली इन्होंने मैन्युफैक्चर किए। ओवरऑल भारत में तो अब काफी सारी नई फैक्ट्रीज भी लगाई जा रही है, जैसे लातूर में वंदे भारत जैसी काफी एडवांस्ड ट्रेन टेक्नोलॉजी यहां पर बनाई जा रही है, और आने वाले समय में तो नेक्स्ट जनरेशन वाले स्लीपर वर्जन, फिर हाइड्रोजन वर्जन, फ्रेट वर्जन, मिनी वर्जन, मेट्रो वर्जन, ऐसी तमाम सारी नई टेक्नोलॉजीज वंदे भारत के फील्ड में आने वाली है, और डेफिनेटली भारत के तो बेनिफिशियल होगी लेकिन दुनिया में भी ये अपना डंका बजाएंगी। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।